नमस्कार, राहुल योगी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सर्वाइकल के बारे में, जो आज के टाइम में एक कॉमन समस्या बन चुकी है सर्वाइकल की, जिसका मूल कारण है हमारी जीवन शैली, यानी कि अपना जो लाइफस्टाइल है वो हमारा दिन भर ख़राब होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे सर्वाइकल की प्रॉब्लम और भी बहुत सारी हमारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लमें बढ़ती जा रही है। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिसे आप अपने सर्वाइकल को गुड बाय बोल देंगे बहुत ही जल्दी। आप अगर ऑफिस में काम करते हैं तो आप इन अभ्यासों को ऑफिस में भी कर सकते हैं, और आप घर पे हैं या आपको मॉर्निंग इवनिंग में टाइम नहीं मिलता है तो आप इन अभ्यासों को खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो नंबर वन है, जो अपने हाथ को इस प्रकार से उठाएं, अपने हाथ की हथेली को अपने सिर के ऊपर लगाएं, साइड में, बिल्कुल सेंटर में नहीं लगाएंगे, साइड में। अपने हाथ को अपने सिर की तरफ करना है और अपने सिर को अपने हाथ की तरफ इस तरह से प्रेशर देंगे और अपने एक ही एंगल पर रहेंगे। इस प्रकार से करें, फिर रिलैक्स, फिर दोबारा फिर से करेंगे। इस अभ्यास को हमें 5 से 7 बार करना है। फिर इस हाथ को डाउन करेंगे, फिर दूसरे हाथ के साथ में इसी अभ्यास को करेंगे, अपोजिट साइड से प्रेशर देंगे इस प्रकार से, और फिर रिलैक्स, फिर प्रेशर देंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। फिर अपने सिर के बैक साइड में, बिल्कुल बीच में नहीं करना, साइड में नहीं, उनके बीच का पॉइंट है जो, वहाँ पे करेंगे प्रेशर देना, हाथों को आगे की तरफ करना और अपने सिर को हाथों की तरफ करेंगे 5 से 7 बार इसी प्रकार से। अपनी गर्दन एक ही लाइन पे रहेगी। फिर अपोजिट साइड से भी 5 से 7 बार इन अभ्यासों को करेंगे, अच्छे से करना है। उसके बाद में अपने दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक करने के बाद में अपने फोरहेड के ऊपर लगाएंगे। अगर आप उंगलियां इंटरलॉक नहीं कर सकते तो हाथ के ऊपर हाथ इस प्रकार से लगाएंगे और अपने हाथों को अपने सिर की ओर प्रेशर देना है और अपने सिर का हाथों की ओर, अपने हाथ भी आगे की तरफ नहीं जाने चाहिए और अपना सिर भी हाथों की तरफ नहीं जाना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर पूरा प्रेशर डालना है। देखिए एक बार इस प्रकार से श्वास को अंदर भरते हुए एंड रिलैक्स, श्वास को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे एंड रिलैक्स। 5 से 7 बार इसका अभ्यास करना है। उसके बाद में दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करेंगे, अपने सिर के पीछे लगाएं दोनों हाथों की उंगलियां और श्वास को अंदर भरते हुए आगे अपने एल्बो को टच करने का प्रयास करें, जितना आप नज़दीक में लेके आ सकते हैं इतना नज़दीक में लेकर के आएं। फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए पूरा पीछे की ओर, अपने एल्बो को पीछे की ओर मिलाने का प्रयास करना है। फिर श्वास को बाहर इस प्रकार से एल्बो को टच करने का प्रयास, फिर अपना पीछे की ओर एल्बो को टच करने का प्रयास करना है। इस अभ्यास को भी आपने 5 से 7 बार इसका अभ्यास करना है और उसके बाद में अपने फेस को अप करेंगे और गर्दन को पीछे की ओर रिलैक्स अवस्था में छोड़ देंगे, बिल्कुल रिलैक्स गर्दन को पीछे की ओर। इस अवस्था में हमें 5 से 7 मिनट तक रुकना है। जितनी देर आप आराम से रुक सकते हैं, आराम से होल्ड करने के बाद में हमारे जो फुल फोकस करना है कि हमारे गर्दन के अंदर जो कशेरुकाएं हैं उनकी मालिश हो रही है, मालिश होते हुए हमने देखनी है। लास्ट स्टेप है हमारा, अपने पेट के बल लेट जाएंगे इस प्रकार से, अपने पेट के बल लेटना है हमें। अपने पेट के बल लेटने के बाद अपने दोनों हाथों को सीधा करेंगे, पंजे पीछे फ्लैट रहेंगे हमारे, दोनों हाथों के एल्बो से बेंड करेंगे और दोनों हाथों के बीच में अपनी ठुड्डी को रखेंगे इस प्रकार से। अब अपने एल्बो को उठाएंगे छोटे छोटे स्टेप के साथ में पीछे की ओर, अपनी छाती की ओर लेकर के आएंगे इस प्रकार से, छोटे छोटे स्टेपों में, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप, जितना आप अपनी ओर लेकर के आ सकते हैं अपनी ओर लेकर के आएँ। फिर छोटे छोटे स्टेप में आगे की ओर लेकर के चलेंगे, जितना आप सामने की ओर लेकर के चल सकते हैं। उसके बाद में रिलैक्स करें, अपना दोनों हाथों के बीच में माथा रखें और रिलैक्स करें। उसके बाद फिर से इसी अभ्यास को दोहराएं, 5 से 7 बार इसका अभ्यास करना है। सिर्फ इतना ही करने से
सिर्फ इतना ही अभ्यास को करने से आप अपने सर्वाइकल को, स्पॉन्डोलाइटिस की समस्या को जड़ से बिल्कुल आप गुड बाय बोल देंगे। ऑफिस में भी इसको कर सकते हैं। हमें थोड़ी सावधानी क्या है इसमें रखनी है, जो आज के टाइम पे हम मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज करने लग गए हैं, मोबाइल के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अगर हम डेस्क के ऊपर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, तो हमारा अगर ज़्यादा वर्क है तो उसको इस प्रकार से कीजिए कि हमारा फेस के सामने उसकी LED आए, ताकि हमें आगे की तरफ झुकना ना पड़े, यानी कि आगे झुकने के कारण से हमारे पोस्चर में कोई गड़बड़ी ना आए, इसलिए हम आराम से सीधे बैठ करके कार्य को कर सकें। सिर्फ इतना ही करने से आप अपने सर्वाइकल को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं और आप एक नए जीवन को अपने अंदर धारण कर सकेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।